पहली बार बिजनेस क्लास ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक बार बिजनेस क्लास जाता है ना तब फायदा पता चलता है, कितना फायदा होता है बिजनेस क्लास में जाने का। आज मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा तो काफी बढ़िया फील हुआ। लेकिन अभी एक घंटा भी नहीं फ्लाइट को उड़े हुए हुआ और कह रहे हैं कि अभी बस 15-20 मिनट में लैंड भी हो जाएगी। सुबह के पूरे 4:01 हो गए हैं और मैं निकलने लगा हूँ अपनी अगली फ्लाइट लेने के लिए टोरंटो टू न्यूयॉर्क। ये है मेरी आज की सबसे पहली फ्लाइट, इसके बाद मेरी ये दूसरी फ्लाइट होगी न्यूयॉर्क टू आगे अबू धाबी। तो ये टोरंटो टू न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है ना, दिस इज़ बिजनेस क्लास, फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन अ बिजनेस क्लास फ्लाइट। लेकिन वो कैसे हुआ, मैंने बिजनेस क्लास बुक नहीं की थी, मैंने बुक की थी इकोनॉमी। आपको सारा कुछ आज के ब्लॉग में बताऊँगा, लेकिन अभी निकलने लगे हैं बस घर से, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पहुंच चुके हैं सुबह सुबह एयरपोर्ट पर, फाइनली अमेरिकन एयरलाइन है मेरी एयरलाइन, तो यहीं पे लिखा हुआ है, बोर्ड लिखे होते हैं तो बोर्ड को देखकर बस उतर जाओ, और उतर गया हूँ अभी। अभी अंदर जाना है बस, अपना चेक इन करना है, सामने ही होगी। बहुत टाइम से, जब से अपनी क्राइसलर बेची है ना उसके बाद से बहुत कम कोई बड़ी गाड़ियाँ ड्राइव की है। यहाँ पे तो मेरे फ्रेंड्स हैं तो सभी के पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा ज़रा ड्राइव कर ले एक बार, तो आने से पहले रास्ते में हमने चेंज कर लिया। तो मज़ा आता है काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ ड्राइव करके, पावर ही डिफरेंट होती है उनकी। अभी निकलते हैं बस, चलो चलो। अभी आ गया हूँ अंदर एयरपोर्ट के, तो अभी हमारी है अमेरिकन एयरलाइन और वो रही सामने। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात है आज वो है कि हमारी एयरलाइन है बिजनेस क्लास, तो हमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे सीधा बिजनेस क्लास वाले में। ये देखो सारी की सारी इन्होंने ऐसे पियर्सन एयरपोर्ट के ऊपर मशीन्स लगाई होती हैं, यहाँ पे आओ अपना स्कैन वगैरह करो और हमें अंदर जाने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इमिग्रेशन होगी जिसकी वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा। पहली बार जा रहा हूँ प्रायोरिटी लेन में बिजनेस क्लास में, क्या बात है भाई। चलो इधर देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है इकोनॉमी वालों की, और इधर है ये बिजनेस क्लास, बस 3-4 पैसेंजर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो यही डिफरेंस होता है बिजनेस क्लास में और इकोनॉमी क्लास में। तो मैं तो पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, चाहे ही छोटी सी फ्लाइट है लेकिन फिर भी पहली बार बिजनेस क्लास ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस अभी लगेज वगैरह जमा करवाने हैं, फिर रेडी है हम जाने के लिए। तो अभी अंदर जाने से पहले इसमें जरा अपनी सोच रहा हूँ मशीन रख दूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रिमर था ना, ट्रिमर मैंने इसमें रख लिया था, और ट्रिमर है ब्लेड्स, और ब्लेड्स हम लेकर जा नहीं सकते अपने कैरी ऑन बैग में, तो इसलिए इसमें रखना पड़ेगा। अगर आगे जाकर सिक्योरिटी ने प्रॉब्लम की तो हमें निकाल कर फेंकना भी पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही सेफ चलो। जब बंदा एक बार बिजनेस क्लास जाता है ना तब फायदा पता चलता है, कितना फायदा होता है बिजनेस क्लास में जाने का। एक मिनट भी नहीं लगा सारा कुछ होने में, और ये मुझे तो लग रहा था कि जैसे बस की टिकट नहीं ले रहा मैं, बस एक मिनट में मुझे मिली और उसने मेरा पासपोर्ट देखा, दैट्स इट। बस मेरा यूएस वीजा चेक किया उसने, दैट्स इट, कुछ चेक नहीं किया, और बस वो देखकर बैग में टैग लगाया और कहा दैट्स इट, यू कैन गो। मुझे लगा था इमिग्रेशन होगी, अच्छे से होगी, लेकिन वो होगी वहाँ पर जाकर JFK एयरपोर्ट। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी पूछा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सवाल नहीं किया, वहाँ पर वो जरूर पूछेंगे कि आपने आगे क्या करना है, कहाँ पे जाना है। तो अभी उसने बैग पे टैग लगा दिया है मेरा, चेक इन बैग पे, और अभी हमें वहाँ पे अपना बैग ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा। ये सारे के सारे ये सेक्शन बने हुए हैं बैग ड्रॉप ऑफ के, तो यहाँ पे अब हम अपना चेक इन बैग ड्रॉप ऑफ कर देंगे इनमें से किसी एक पर। ओके, सो फाइनली वी आर डन विद द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन हुई है हमारी, मुझे लगा था नहीं हुई। अंदर आकर अमेरिकन एयरलाइन से बोर्डिंग पास लेने के बाद, चेकिंग वगैरह करने के बाद, अंदर इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हुए हैं, उन्होंने इमिग्रेशन की। तो बस मुझे उसने इतना ही पूछा कि कहाँ रहते हो आप, आई टोल्ड हिम आई लिव इन हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया, और फिर उसने पूछा कि कितना कैश है आपके पास, और तीसरी बात कहाँ जा रहे हो आप। तो बताया उसको मैंने, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है वहाँ से इंडिया की,
तो कहता दैट्स ऑल राइट, तो बस उसने 2 मिनट लगाए और उसके बाद मैं निकल गया वहाँ से। और अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ A13। इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है, और स्पेशली जो US डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है। हर एक कंट्री में मैंने देखा है ऐसा, अगर US जाना है ना आपने तो उसकी स्क्रीनिंग भी अलग होगी, उसका डिपार्टमेंट भी अलग होगा। So before going forward, let's talk about the sponsor of this video and my favorite electric scooter, Hiboy Astro Max. The Hiboy Astro Max is a versatile, feature-packed electric scooter perfect for long-range urban riders. With a powerful 48-watt, 11.6 amp-hour battery and a powerful 500-watt motor, you can easily commute to work. So the Astro Max offers 3-speed modes for a customized riding experience. Experience the thrill of a smooth and comfortable ride while making a positive impact on the environment. So the max range of this bike is 64.4 km and the max speed is 30.6 km per hour. So iska design kafi zyada badhiya banaya hua hai inhone, sabse pehle look dekhne mein kafi badhiya lagti hai. So you can fold this electric scooter and easily carry it in your car trunk. It also have the smart dashboard control jis par aapko speedometer, riding mode, headlight, battery life sara kuch dikhega. So far this is my favorite electric scooter. If you want to buy it or if you wanna know more about this scooter, you can check out the link in the description. Now let's get back to the video. So abhi bhookh lagi hui hai puri, to business class ticket ke sath na lounge access bhi free hoti hai. To American Airlines ka lounge hai, Admirals Club, जो कि मिल नहीं रहा अभी, मुझे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं है भी या नहीं यहाँ पर, जा पीछे रह गया है, देखता हूँ आगे जाकर अगर मिलता है तो। बहुत भूख लगी है अभी तो, अभी भी 1.5 घंटा रहता है फ्लाइट उड़ने को, तो तब तक तो नहीं रहा जाएगा, खाना पड़ेगा कुछ। फाइनली 15-20 मिनट के चक्कर काट कर मिल ही गया अमेरिकन एयरलाइंस एडमायरल्स क्लब, ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे पसीना बहुत आता है तो अभी वैसे चल चल के पसीना आ गया, क्योंकि टोरंटो में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी वैसे लाउंज में जाकर बैठता हूँ 1 घंटा, फिर बाद में जाऊँगा वहाँ पे। फाइनली गॉट द फ्री लाउंज एक्सेस, तो करें मिली एक्सेस, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा था अभी, अब गया था घूम घूम कर। तो अभी अंदर आकर सबसे पहले ये ब्रेकफास्ट लिया है मैंने, फ्रूट्स वगैरह साथ में ये सब, और अभी एडिटिंग करने लगा हूँ अपना लैपटॉप में कॉल करके, एडिटिंग शुरू करते हैं, यही फ़ायदा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली जो बिजनेस क्लास की टिकट है ना, ये मुझे बहुत सस्ती पड़ी है। ये वाली टिकट मैंने बिजनेस बुक नहीं की थी, और वैसे हमने बिजनेस वगैरह फ्लाइट बुक करनी हो ना तो वो हमें ऑलमोस्ट डबल प्राइस में पड़ती है जो कि हमारी इकोनॉमी होती है। ये मेरी फ्लाइट हुई थी जो बुक, वो कुछ $375 की, सबसे पहले मैंने ये वाली फ्लाइट बुक की थी, तब मैंने इकोनॉमी बुक की। जो वो वाली फ्लाइट थी ना, उस फ्लाइट में लगेज इंक्लूडेड नहीं था, तो मैंने सोचा था कि उसका मैं एट एयरपोर्ट पे कर दूंगा जब मैं अपना चेक इन करूंगा। लेकिन जब हमारी फ्लाइट होती है ना, 24 आवर्स पहले चेक इन अपना हो जाता है, तो उस वक्त जब मैं चेक इन कर रहा था तब वहां पर ऑप्शन आई, कहते हैं कि आप अपनी फ्लाइट बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर सकते हो। अब पहले जो मैंने अपना इकोनॉमी में मैंने लगेज लेना था ना, अगर मुझे उस लगेज का एयरपोर्ट पर जाकर पे करना पड़ता तो उसके कुछ $30 थे जो मुझे पे करने पड़ने थे जस्ट टू एड वन लगेज, और वो $30 थे, तो वो कुछ $40 बनने थे कैनेडियन अगर मैं अपना लगेज ऐड करवाता। लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी फ्लाइट अपग्रेड कर सकते हो इन जस्ट $45, मतलब मुझे $45 एक्स्ट्रा पे करने पड़ने थे, उसमें मेरी जो फ्लाइट थी वो बिजनेस क्लास हो जानी थी, उसके साथ साथ उसी फ्लाइट में मेरे 2 checked bag भी इंक्लूडेड होने थे। अब मैंने $60 पे करके मुझे बिजनेस क्लास मिली, उसी में मेरा एक लगेज भी इंक्लूडेड हो गया जिसका मुझे एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना पड़ा। अब उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमारी फ्लाइट बिजनेस क्लास होती है ना, बिजनेस क्लास के साथ हमारी लाउंज एक्सेस भी फ्री होती है। फिर अलग अलग एयरलाइंस ने अपने अपने लाउंजेस बनाए होते हैं, जिस एयरलाइन की आपने बिजनेस क्लास ली है उस एयरलाइन का आपका लाउंज भी फ्री होगा। अगर आपने उस लाउंज में अपने पैसे खर्च करके जाना है तो उसके कुछ $70 और $80 चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं, तब जाकर आप लाउंज की एक्सेस ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस क्लास है तब आप अंदर जाकर फूड वगैरह खा सकते हो, फ्री में वहां पर रिलैक्स कर सकते हो, तो ऐसी चीजों पर भी काफी ज्यादा पैसे सेव होते हैं, क्योंकि अगर आप वहां पर नहीं खाओगे तो फिर आपको बाय करना पड़ेगा बाहर कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो उस पर भी काफी पैसे लग जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ऑलमोस्ट फ्री पड़ी थी बिजनेस क्लास, और मेरा पहला एक्सपीरियंस है बिजनेस क्लास का, तो अभी आपको पता चलेगा कि कैसी रही मेरी बिजनेस क्लास फ्लाइट।
तो फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है और सबसे पहले बोर्डिंग हुई है बिजनेस क्लास वालों की, मतलब मैं भी उनमें उनके बीच में ही था। आज मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा तो काफ़ी बढ़िया फील हुआ ये एक्सपीरियंस करके भी। एक एक्सपीरियंस ही है, दोबारा पता नहीं कब होगा, लेकिन आज तो बहुत बढ़िया फील हुआ। So the first thing that I noticed after sitting in the business class is definitely the leg room. तो business class में leg room काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और ऐसा feel हो रहा था जैसे मैं घर पर सोफे पर बैठा हूँ। तो फ्लाइट के उठते ही एयर होस्टेस ने बिजनेस क्लास की फीलिंग देनी शुरू कर दी और उन्होंने स्टार्ट किया ऑरेंज जूस के साथ, और वो भी कांच के ग्लास में, और उसके साथ दिए उन्होंने प्रेट्सल्स। और ये पहली बार था जब एक प्लेन में मैंने कांच के ग्लास में जूस पिया, वरना हमेशा प्लास्टिक के ही ग्लास देते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए बस इतना ही था, फिर उसके बाद बस मैंने अपना लैपटॉप खोला और थोड़ी देर एडिटिंग वगैरह की और बाहर का व्यू एंजॉय किया। तो अभी कुछ 50 मिनट हो गए हैं फ्लाइट को उड़े हुए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये लैंड भी होने लगी है अभी। मतलब 2 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन अभी 1 घंटा भी नहीं फ़्लाइट को उड़े हुए हुआ और कह रहे हैं कि अभी बस 15-20 मिनट में लैंड भी हो जाएगी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ फ़्लाइट हो सकती है ये वाली, क्योंकि मैंने पहले फ्लेयर की फ़्लाइट करवाने लगा था, उसमें हमेशा डिले दिखा रहा था, लेकिन ये अपनी फ़्लाइट ऑन टाइम थी, लेकिन इतनी जल्दी लैंड हो जाएगी ये नहीं सोचा था। मतलब काफ़ी पता नहीं तेज जा रहा है प्लेन या फिर उन्होंने टाइम गलत लिखा हुआ है, क्या हिसाब है समझ नहीं आ रहा, लेकिन फ़्लाइट विद इन 1 hour और 1 hour 15 minutes के बीच में ही पहुंच चुकी है। तो अगर बिजनेस क्लास की बात की जाए तो कंफर्ट तो पूरा है, मतलब एकदम से खुला डुला होकर बैठा हूँ मैं, मेरी टांगे बिल्कुल भी मतलब टाइट नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने अपना लैपटॉप भी यूज़ किया और वो भी एकदम से पूरी स्पेस थी, मैं तो आराम से शूज़ वगैरह उतार कर फिर बैठा हूँ। और साथ में मेरे जो बेटा था वो आगे वाली सीट पे चला गया अपनी वाइफ के साथ, तो साथ वाली सीट भी खाली है। तो बहुत मज़ा आ रहा है बिजनेस क्लास में, लेकिन ये बिजनेस क्लास अगर आप कहीं पास में जा रहे हो तभी चीप पड़ती है, अगर आपने दूर जाना है जैसे इंडिया की लेनी है वो तो बहुत महंगी पड़ती है। और इंडिया की जो अगर फ़्लाइट बिजनेस क्लास नॉर्मल फ़्लाइट भी आप लोगे वो भी आपको $3,000-4,000 की पड़ेगी। ज़्यादा सीट्स नहीं है, बिजनेस क्लास सीट्स थोड़ी सी है, 4 सीट्स उस साइड है और 8 सीट्स इस साइड है, तो कुछ 12 सीट्स है टोटल बिजनेस क्लास इस प्लेन में, क्योंकि प्लेन काफ़ी छोटा है। सर्विस काफ़ी बढ़िया देते हैं वो, वाईफाई नहीं मिल रहा फ्री, मुझे लग रहा था कि वाईफाई फ्री मिलेगा लेकिन नहीं मिला। अब जब बाहर निकलेंगे तब भी सबसे पहले बिजनेस क्लास वाले निकलेंगे, बाकी बाद में निकलेंगे। फिर बाकी बातें मैं आपके साथ JFK एयरपोर्ट पर जाकर करता हूँ और बताता हूँ आपको कि इमिग्रेशन पे क्या क्या उन्होंने मुझसे सवाल पूछे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने। एज अ कनेडियन PR, कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट, हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं ट्रैवल में वो भी देखेंगे और वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके साथ साथ बाहर व्यू चेक करो आप, कितना बढ़िया आ रहा है यार, बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम कनाडा का बॉर्डर तो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन बस अभी लैंड करेंगे 15-20 मिनट के बीच में। लेकिन ये जो छोटी सी फ़्लाइट्स होती है ना, जैसे जो लोकल फ़्लाइट्स जाती है 2-3 घंटे लगते हैं जिनको, तो इन फ़्लाइट्स में कोई भी ऐसे एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं होता, जैसे जो TV वगैरह नहीं होता इनमें। लेकिन हाँ, अगर आपने ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाके एंटरटेनमेंट करना है तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वेब सीरीज़ वगैरह काफ़ी कुछ फ्री में मिल सकता है देखने के लिए, और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर फ़ोन में वाईफाई यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आप फ्री में स्ट्रीमिंग जरूर कर सकते हो। बाहर व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है। ओके गाइस, सो फाइनली वी हैव लैंडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अभी टाइम हुआ है पूरे 8:22, मेरी फ़्लाइट थी 2 घंटे 10 मिनट की, मतलब 9:10 पे लैंड होनी थी, लेकिन 40-50 मिनट जल्दी ही लैंड हो गई और अभी मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट पर। अब मेरी अगली फ़्लाइट है दोपहर 2:30,
तो अभी यहाँ से मुझे अपने बैगेज लेने पड़ेंगे दोबारा से, जो मैंने चेक इन किए थे, क्योंकि फिर बाद में मुझे दोबारा से बैगेज सबमिट करवाने पड़ेंगे अपनी अगली फ़्लाइट के लिए, क्योंकि दैट्स अ सेपरेट फ़्लाइट। तो अब यहाँ पर मुझे पता नहीं इमिग्रेशन मेरी होगी या नहीं होगी, ये देखते हैं जाकर ही पता चलेगा। तो अभी मैं बाहर निकलने लगा हूँ, बस मौसम यहाँ पर ख़राब है, टोरंटो में धूप निकली हुई थी, बस एक घंटा दूर आए हैं हम और यहाँ पर बाहर बादल हुए पड़े हैं। दिस इज़ द JFK एयरपोर्ट, द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पर 3 एयरपोर्ट्स हैं और ये सबसे बड़ा वाला एयरपोर्ट है। यहाँ पर मेरी इमिग्रेशन होगी या नहीं और वो क्या पूछेंगे मुझसे, लगता नहीं है होगी, क्योंकि ये रास्ता तो मुझे यही लग रहा है कि जो बाहर को जाता है, बाकी पता नहीं आगे जाकर मे भी हो भी जाए, कुछ नहीं पता, देखते हैं आगे जाकर। बस अभी बाहर जाऊँगा, बैग वगैरह लूँगा, तो फिर सोच रहा हूँ कि वापस एयरपोर्ट के ही अंदर आ जाऊँ और अपना बैगेज जमा करवा कर फिर अंदर मजे से बैठूँगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर जाने का फ़ायदा नहीं है। मेरे पास लगेज भी होगा, हैंड बैग भी होगा, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए बाहर तो नहीं जाऊँगा मे भी। माय गॉड, इतनी ज़्यादा स्टेयर केस मैंने पहली बार देखा है। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है एयरपोर्ट तो, एंड वेलकम टू न्यूयॉर्क। So finally, after 1 hour of flight, I reached New York City, also known as the Big Apple. तो न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने के बाद मुझे लगा था मेरी इमिग्रेशन होगी, लेकिन असल में मेरी इमिग्रेशन नहीं हुई और मैं अपना बैग लेकर बस बाहर निकल गया। अब मुझे लेनी थी अगली फ़्लाइट न्यूयॉर्क टू आबू धाबी। वो अगली फ़्लाइट भी बहुत बढ़िया होने वाली है, लेकिन वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ इतिहाद एयरवेज़। मैं पहली बार इतिहाद में ट्रैवल करूंगा एंड दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन। तो देखेंगे कैसा रहता है सफ़र। लेकिन अगर यहाँ तक आपने ब्लॉग देखा है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर नए आए हो चैनल पर, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स ऑन द वे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।